Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about the Azure DevOps dashboards. So let's start. So ये main screen है हमारी, overview है project का. So यहाँ से हम overview के अंदर dashboards के अंदर अगर जाएँ तो by default यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हमें डिफरेंट किस्म के विजिट्स ऐड करने होते हैं. सो आई एम एडिंग अ विजिट. सो जो आप ऐड विजिट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के यहाँ विजिट्स शो हो रहे होते हैं. आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप डिफरेंट किस्म के विजिट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं. सो मैं लेट सपोज दो चार्ट फॉर टेस्ट प्लान्स हैं, इसे मैं ऐड कर रहा हूँ. ऐड करने के बाद आपको यहाँ जो कॉन्फ़िगर में जाना होता है और आप यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हैं. लेट सपोज़ ये है मेरी, लेट सपोज़ रिलीज़, दिस इज़ माय रिलीज़ 1.1. मैं इसके विड्थ वगैरह सेट कर सकता हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा ये बड़ा चाहिए है मैं ये सब सेट कर सकता हूँ. और प्लान में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ. अब प्लान में मुझे टेस्ट केसेस चाहिए हैं या टेस्ट रिजल्ट चाहिए हैं, क्या चाहिए हैं? तो मैं पूरे प्लान को सेलेक्ट कर लेता हूँ रिजल्ट्स. और आई कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ लाइक पाई, बार, कॉलम, स्टेक्ड बार, पिवट टेबल. सो मैं अभी इस वक्त पाई ही रहने देता हूँ. और ये ग्रुप जो है मैं आउटकम के बेस पे करना चाह रहा हूँ. तो एज यू कैन सी के कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं ये मैं जनरेट करवा सकता हूँ. और इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो मेरे पास डैशबोर्ड पे एक ही ग्राफ आ गया. तो मैं डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ग्राफ्स ऐड कर सकता हूँ अपनी नीड की बेस पे. जस्ट लाइक मैं अगर कोई क्वेरी को ऐड करना चाहूँ, क्वेरी टाइटल को मैं ऐड कर लेता हूँ. और एक क्वेरी मैंने सेव की भी है. ये क्वेरी टाइटल जो है ये असल में ये है असाइन टू मी की. सो आपको शेयर्ड क्वेरी में जो है क्वेरी को सेव करना होता है. टेस्ट केसेस असाइन टू मी. तो इसको मैं टाइटल ही ये रख देता हूँ कि टेस्ट केस असाइन टू मी. और मैं कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकता हूँ कि जो कलर मुझे सूट करता है. लेट सपोज ग्रीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि रिलीज़ के अंदर कितने टेस्ट केस हैं टोटल, कितने पास हुए कितने फेल हुए हैं और कितने जो हैं वो स्टिल नॉट रन स्टेट में हैं. सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए जो है वो डैशबोर्ड बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर अपने चॉइस से जो है वो कुछ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं. लाइक मुझे कोई क्यूरी है जो बहुत रेगुलर देखनी होती हैं तो उन क्यूरी के रिजल्ट्स को भी मैं जस्ट लाइक क्यूरी रिज़ल्ट इसको मैं डबल क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ. और इसके अंदर मैं अपनी क्यूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट सपोज और मैं सेव कर लेता हूँ. तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कोई भी अपनी क्यूरी जो मुझे रिक्वायर्ड है जिसका रिज़ल्ट मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं क्रिएट करके यहाँ पे मैं उसको डैशबोर्ड में भी यूज़ कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे बर्न अप बर्न डाउन चार्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ. मैं डायरेक्ट असाइन टू मी भी कर सकता था कि जितनी चीज़ें मुझे असाइंड हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएँ. तो देन यहाँ पे और ये तो वो विजिट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड आपको किए हुए हैं. इनके अलावा भी आप डिफरेंट एडिशनल थर्ड पार्टीज़ के भी ऐड कर सकते हैं. और आप नेम लें और आपको वो विजिट्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे. सो जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाली चीज़ है उसके लिए डैशबोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जस्ट लाइक जो टेस्ट प्लान था उसी से ही मैं मल्टीपल तरह के भी जनरेट कर सकता हूँ. लेट सपोज मैं
एक और जो है ये ऐड करता हूँ टेस्ट प्लान वाले, और इसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ लेट्स सपोज, और मैं इसे एडिट करता हूँ, और ये जो टेस्ट प्लान था सेम टेस्ट प्लान को अब मैं टेस्ट केस के लिहाज से मैं कर सकता हूँ कि मैं लेट्स सपोज मैं इसको जनरेट करता हूँ पिवट टेबल, और पिवट टेबल में मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे रॉज में क्या चाहिए और कि असाइन टू रॉज में देख लेता हूँ, और जो कॉलम्स हैं वहाँ पे मैं देता हूँ स्टेट, ठीक है मिसेस, और मैं इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सो अब यहाँ से क्या मैं ट्रैक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये ट्रैकिंग कर सकता हूँ कि मेरी जो रिसोर्सेज हैं उनके जो टेस्ट केसेस असाइंड हैं वो किस किस स्टेट में मौजूद हैं, तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे ये भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं सेम इसी प्लान को यूज़ करते हुए मैं ये भी जनरेट कर सकता था कि मेरे स्पेसिफिक स्ट्रीट्स की प्रोग्रेस क्या है, मैं ये भी जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पे कि कितना काम हो गया है कितना रह गया है, जस्ट लाइक बर्न डाउन एंड बर्न अप चार्ट। सो इट्स ऑल फॉर द डे, इसको मैं डन एडिटिंग कर देता हूँ, तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया। आप कभी भी जो है वो डैशबोर्ड्स पे आएंगे अपने, तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली विजिबल हो रही होंगी। आप इनकी पोजिशनिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से, उसके लिए आपको एडिट करना होगा। एडिट करके जस्ट लाइक कि आपको लगता है कि ये यहाँ आना चाहिए था और ये लोकेशन इसके लिए बेहतर है और इनके लिए ये लोकेशन। सो कितना काम हो गया है कितना रह गया है, इस चीज़ के लिए क्यूरी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको आप डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। सो ये डैशबोर्ड था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।